नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल ओनली टीचिंग पर। और DSSB की तरफ से आज एक अपडेट है। DSSB ने रिजल्ट क्लियर किया है जो कि DOE से रिलेटेड है, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस पोस्ट पर रिजल्ट क्लियर किया गया है और आखिर कितनी उसकी कट ऑफ गई है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, DSSB ने TGT सोशल साइंस मेल पोस्ट कोड 137/17 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। इनका जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में हुआ था 9 सितंबर 2018 को। जो भी साथी इसमें सिलेक्ट हुए हैं उनको ई डोजियर अपलोड करने के लिए कहा गया है। DSSB ने जो वैकेंसी एडवर्टाइज की थी इसमें टोटल 303 पोस्ट थी, जिसमें कि UR की 163, OBC की 62, SC की 32, ST की 46 इंक्लूडिंग फिजिकली हैंडीकैप, जिसमें कि OH5 और VH4। तो ये जो है TGT का जो रिजल्ट है सोशल साइंस का वो आ चुका है। जो भी साथी इसमें सिलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत बधाई। वो अपने मार्क्स DSSB की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पे अपना जो लॉगिन क्रीडेंशियल है उसको लॉगिन करके अपना आप मार्क्स जो है वो चेक कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि भाई इनकी कट ऑफ कितनी गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इनकी जो कट ऑफ कैटेगरी वाइज गई है वो UR की 86, OBC की 71.75, SC की 83, ST की 74, फिजिकली हैंडीकैप में OH की 81.75 और VH की 81.75, यानी कि OH और VH की लगभग लगभग सेम गई है। ठीक है, इसके अलावा जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनको 10 दिन का समय दिया गया है ई डोजियर अपलोड करने के लिए, जो कि 20 फरवरी से लेके 1 मार्च तक है। तो जो भी साथी इसमें सिलेक्ट हुए हैं वो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना सारा जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी क्या हुआ था, जब MCD के ई डोजियर भरवाए जा रहे थे तब बीच में इनकी वेबसाइट जो है वो ठीक नहीं चल रही थी। तो प्लीज़ आप लास्ट टाइम का वेट मत करिएगा, आप जो भी डॉक्यूमेंट है जल्दी से कलेक्ट करके उसको जितनी जल्दी हो सके अपलोड कर दीजिए। साथ ही साथ आप ये भी इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए, जो कि 31 जनवरी 2018 है। तो दोस्तों, ये था पूरा का पूरा आज का अपडेट, जिसमें कि मैंने आपको बताया किस तरीके से TGT सोशल साइंस का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो कि इससे जुड़े हैं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलेंगे हम अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।